जय जोहर संगवारी हो, मैं हूँ संतोषी। स्वागत है आप मन की अपन यूट्यूब चैनल सी जी व्लॉगर संतोषी में। तो संगवारी हो, देख सकते हो मौसम कैसा दिखत है ना। मौसम जिन्हें बहुत ख़राब हो चुके हैं, बदली आ गए हैं और थोड़ा थोड़ा पानी भी गिरत है और बहुत ही अच्छा लगत है। आंगन में वहाँ खड़े हो ना, ये दे पेड़ पौधा मन है जिन्हें बहुत ही सुंदर सुंदर जिन हवा हिलत डुलत है और अच्छा से हवा चलत है ना, तो मन आनंदित हो जाते हैं ना। खास करके गर्मी के दिन में जिन्हें भाई ऐसे पानी गिरते तो बहुत अच्छा लगते और गर्मी गर्मी लगत है देखा सीती। तो चलो संगवारी को ज़्यादा पानी जिन्हें गिरेला था लीजिए दे, तो मैं हाँ चला था घर में और अभी हो गए है शाम कन के 6 बज गए है भाई। और हमारे तीवर जिन्हें मौसम है एकदम से ख़राब हो गए। दोपहर तक तो ठीक रही से, लेकिन पता नहीं एकदम से अचानक मौसम ख़राब हो गए। सुबह सुबह तो बदली रही सब है, पर अभी जिन हवा ज़्यादा पानी जिन्हें गिरना शुरू हुआ था भाई। तो चलो फिर मैं घर में चलता हूँ और अभी जिन्हें खाना बना के तैयारी करूँ। तो मैं खाना में क्या बना हूँ आप मन बने रही हो वीडियो में, संगवारी हो तो देखो पानी ज़्यादा गिरी डली। तो चलो तो चलो इतना ज़्यादा पानी गिरे है, लगता थे बहुत ज़्यादा दीदी, ठंड लगा थे बहुत अच्छा लगा थे, मौसम बहुत सुंदर लगा थे भाई। ये देखो बिजली चमका थी, संगवारी हो दरवाजा लगा बंद कर देता हूँ। ये देखो फिर देखो बहुत ज़्यादा पानी गिरे थे, तो सड़क ला भी देखा संगवारी हो पानी गिरे थे एकदम से, गिरा थे मौसम खराब ही। तो संगवारी हो मैं है मेरे बैठे बैठे जिन्हें सब्जी ला काट डरे, काबर की हवा जिन्हें बढ़िया से आत रही से ना, एक वजह देखो दुआरी तिर भावे बैठे हों। और देखो पूरा मोर आंगन के जिन है ना, कितना सारा जिन पेड़ के फूल है वह ना वो पूरा गिरे हुआ है, मतलब किनारे में जिन है ना बहुत सुंदर फूल है बेल वाले जो छत में गए हवा, वो बाकी फूल है पूरा गिर गए हवा आंगन में। और सब ला जिन है फिर से साफ करना है, लेकिन काम हो गए है दिया बाती के समय हो जाती एक स्थिति मैं अभी नहीं कर रहा हूँ वाला। और ये राम फल रही ना वोला पूरा आज कटवाए हवन, और जिन मीठा नीम के पेड़ रही से ना ओला भी हमन कटवाए हैं, काबर की बहुत ज़्यादा कचड़ा होत रही सब है। टंकी है पानी के ना, तो पानी के टंकी में पूरा गिरत रही सब है, दो ठो टंकी है दोनों टंकी में गिरत रही से, एक वजह से वो काटवा दिए हैं। तो साफ सफाई तो करी हो दोपहर के समय आप मन देखी हो, ओखर बाद फिर ये हाल हो गया पानी गिरी से। तो चलो फिर सुबह के टाइम करबो, काबर की रात को भी नहीं करो मैं आंगन के जिन कचड़ा है वोला नहीं फेंको। तो चलो फिर यदि सब्जी लजन में काट लिए हैं, तो चलो मैं यहाँ दिया बाती जलाए के बाद संगवारी को सब्जी ला बना हूँ। तो बने रही हो वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगी संगवारी हो तो प्लीज़ चैनल ला सब्सक्राइब लाइक और शेयर करे ला जान भूला हूँ है ना। तो चलो अभी मैं यहाँ भगवान की पूजा पाठ कर लूँ। तो कढ़ाई ला रख दे हाँ संगवारी हो गैस में, ओखर बाद फिर तेल ला डाल दिए हाँ। तो ये देखो बरबट्टी और आलू बढ़िया से धो लिए हमें यहाँ, ओखर बाद जिन हवा टमाटर और प्याज भी मैं काट लिए हाँ। तो फ़ौरन में डाला था मैं यहाँ थोड़ा से सरसों थोड़ा से चटक जही, तो वो माँ डाली हाँ मैं यहाँ कटे हुए प्याज ला, ये देखो और प्याज और सरसों ला बढ़िया से हम ला भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस कलर चेंज हो तक के ही कच्चापन दूर हो तक के ही हमला भूनना है। ओकर बाद फिर मैं बरबट्टी आलू ला डाल देता हूँ। बरबट्टी आलू की सब्जी सूखा सब्जी जिन्हें अच्छा लगती है ना, लेकिन अभी थोड़ा से मैं रसेदार सब्जी बना हूँ, कबर की मोर बेटा मल्ला जिन्हें ना थोड़ा से रसेदार सब्जी खाना है आज मल्ला तेखर सीती। तो इला जिन्हें अच्छा से मैं भूंज ले हूँ, भूंजे के बाद फिर आप मल्ला दिखा तो संगवारी हुई है ये सिलबट्टा, इमा मैं है ना धनिया लहसुन दोनों ला जिन्हें पीस ले हूँ। तो ये देखो बढ़िया से जिन्हें मोर बरबट्टी आलू है भूंजा आ गई है, तो ये मैं निकाल देता हूँ थाली में। सब्जी अच्छा से भूंजा आ गई हवा, देख सकते हो कलर चेंज भी हो चुके हैं। तो उसके बाद फिर मैं कढ़ाई में थोड़ा से तेल डाल के और टमाटर है तेल मैं डाल देता हूँ। अभी के टमाटर थोड़ा से कड़क बनावा थे संगवारी हूँ, कबर की सूखा था वैखर से थी। और लहसुन और धनिया के पेस्ट ला जिन्हें मैं डाल दिए हूँ, थोड़ा से जिन्हें मैं इमें हल्दी पाउडर ला डाल देता हूँ, लाल मिर्ची पाउडर ला डाल देता हूँ,
उखर बाद फिर एमा में डाल दें स्वाद के अनुसार नमक। थोड़ा से एमा में डाल देता हूँ धनिया पाउडर और ढक्कन ला मैं ढक देता हूँ। थोड़ा देर बाद हम अन्हा देखो संगवारी हो तो बढ़िया से जिन्हें यहाँ गलना शुरू हो जाते। तो अच्छा से जिन्हें टमाटर ला हमला पका लेना है। टमाटर पकाए से ही फ़ायदा होती संगवारी हो, रसेदार सब्जी बढ़िया से बनती। तो देखो कितना अच्छा से टमाटर फदक गई। अगर हम शुरू में डाल देता ना तो इतना पान जिन हवा उखर टमाटर जिन्हें नहीं फत गया। एक सीती मैं अलग से भूंजता हूँ उखर बाद भी मैं डाल दे हूँ। तो बरबट्टी और आलू डाल दी हूँ संगवारी हो बढ़िया से टमाटर के साथ में। यह भूंजा जही सब्जी है। वैसे तो हमारे सब्जी है तेल में भूंजा गई रही से, तो 3 से 4 मिनट के बाद में जिन्हें मैं आप दिखावत हूँ तो कुछ सब्जी है इस प्रकार से जिन्हें बन गए है, मतलब सब्जी है भूंजा गई है। तो एमा मैं डाल दे हूँ मैं पानी ला, तो 1 गिलास के करीब पानी ला मैं डाले हवा। सब्जी थोड़ा सी रसेदार चपचपा बनना है एक सीती मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाले हूँ, नहीं तो कम ही पानी डालते हैं। तो 3 से 4 मिनट तक पकाए के बाद ये प्रकार से हो गई है। तो थोड़ा सा इलामूला आउ पकाना है काबर रसा ज़्यादा लगत है एक सीती। तो चलो फिर पकाने के बाद आप दिखाता हूँ। तो देखो सब्जी बढ़िया से बन चुकी है। इतना पानी ही मोर बाबू मल्ला जिन्हें पसंद है। तो चलो फिर मिलता हूँ आप मन से। तो संगवारी हो अभी बज गए हवा, देख सकते हो आप मन रात के 8 बज गए हवा और देखो अंधियार है, मतलब वो तरफ जिन हवा ना लाइट गोल हवा और हमारे यहाँ इन्वर्टर लगे कर सीती एकदम मस्त अंजोर दिखा थे हवा। तो देखो कितना ज़्यादा हवा कर रहा जिन्हें कर रही अभी भी और अंतिम बार तो बहुत ज़्यादा पानी गिरी एक से लगा थी बोला। तो चलो फिर बाहर मैं आप मतलब दिखा था मैं कितना अच्छा हवा लगा था हवा बोला। और खाना जिन्हें बन के तैयार हो चुकी है, तो बस खाना वाना देना है। लेकिन वहाँ मन जिन्हें गली में बैठी है हवा चला थे खसी थी और लिका मन भी बाहर में ही बैठी है। तो आप मन लो चलो दिखाता मैं गली में महू जहाँ ठंडा ठंडा हवा जिन्हें अच्छा लगती गली में। और हमारे यहाँ ना सब जन मन है जिन्हें वाय रात के समय गली में बैठी रहती है लेकिन मैं घर ही में आवाऊँ। तो चलो फिर हम चलथन और देखथन फिर बाहर का नज़ारा। जय जवाहर सवारी हो। तो देखो हमारे गाँव पानी गिरे लाइन गोल लगे, हमारे घर में इन्वर्टर लगे तो नहीं हुई लाइन गोल। तो संगवारी हो बाबुल देखा था हमार कितना ज़्यादा मस्ती करते है और अंधियार हवा वो तरफ है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में और बाहर गली में जिन है ना बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा चलत रही से पानी गिर रही से इखर वजह से। तो देखो मैं पापड़ ला जिन्हें भूंज लेता हूँ फिर इखर खाना दे के तैयारी करी हूँ मैं यहाँ। तो ये देखो पापड़ जिन्हें भूंज आ गए मुरहा लगभग सब जन पर पापड़ जिन्हें भूंज दे हूँ। तो रात के समय हम सब जन एक साथ मिल के एक तीर में बैठ के खाथन एक साथ जल्दी हो जाते और सुबह के टाइम में तो एक एक करके खाना दे पड़ते। देखो पापड़ भुंज आ गए है सब्जी चावल और दाल ये देखो। तो चलो फिर खाना वाना खा ले थन हमन फिर मिलत हूँ। तो संगवारी हो खाना वाना जे हमार मन के हो गए और अभी समय 9:30 बजे थे वह और घर में जिन्हें लइका मन है अपन पढ़ाई करीन है वह खाना खाए के बाद फिर खाना खाए के बाद पढ़ाई करे के बाद फिर सोए लजिन है वह वो घर में गई से बड़े बाबू है और छोटे अभी अभी टीवी देखत रही से लेकिन वह है का करत है पता नहीं है मोला वहाँ। लेकिन वह ना बहुत कुछ करत रहते दिन भर ना दिन भर कुछ ना कुछ काम करत रहते छोटे है जिकर आवाज़ आप मन सुनता ब्लॉग में और बहुत ही चंचल है मोर बेटा है। देखो उखर मन की सामान ला दिखा था आप मन ला जिन्हें ये देखो ये दे है ना वह दिन भर कुछ ना कुछ काम जिन्हें करत रहते ठलहा नहीं बैठी रहा है पढ़ाई कर ही पढ़ाई के साथ में जिन्हें कुछ ना कुछ जुगाड़ करत रहते एक से एक चीज़ बना रही थी वह बहुत ही बढ़िया से। और फिर मन के दोनों भाई के साइकिल जिन्हें इधर खाए हुए है ना और ये देखो मोर कपड़ा जिन्हें मैं हाँ सिले ला रखे रहे हूँ। तो और मन सिलाए है साड़ी मन जिन्हें रखा है और 2 ब्लाउज मन और रखा है हुए। तो मतलब ये सब काम लग जिन्हें मुला करना है समय निकाल निकाल के जिन्हें काम लग करता हूँ। और देखो गर्मी जिन्हें ज़्यादा लगा थी और मैं जिन्हें ना पनगला में पहनता बोला निकाल दिया हूँ गर्मी के कारण कबर गर्मी लगती ना तो अजीब से लगे धले थे कर सीती में एक ठोकला ही पर पहन लेता हूँ। और ये दे तो सब पूरा फैले हुए हैं संगवारी हो सुबह के समय जिन्हें सबला कम्प्लीट साफ सफाई करे और लगते। तो इखर साइकिल है और जो भी बना देते सब पड़े रहते यही प्रकार से खा कर भी लेकर रहती थे घर घर में यही प्रकार यही तरह सब चीज़ें पड़ी थी है ना आपके घर में भी हुई लेकिन हमारे गांव गाँव की है ना तो सब यही तरीके से पड़े रहती।
तो चलो संगवारी हो, आज दिन ही कंप्लीट लग चुके हैं। अब चाहते हैं सोयला महू है संगवारी हो। तो आज की वीडियो आप माला कैसे लगी से मोला कमेंट करके जरूर बता दो हो। अच्छा लगी तो एक लाइक कर दे हो और बहुत अच्छा से कमेंट कर दे हो। चैनल ला सब्सक्राइब कर दे हो। जो भी भाई बहनी नवा चैनल में मोरा था तो मिलो कल के अच्छा सी वीडियो के साथ संगवारी हो। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।